दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय SCA एकेडमी धर्मशाला। धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज आज से हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला पेंटिंग एंड प्रिंट प्रदर्शनी में देश विदेश से 56 महिला कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगी। इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा अलग अलग कोने से 38 कलाकारों सहित 18 देशों की महिला कलाकार प्रदर्शनी में भाग लेंगी। संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर रितु मनकोटिया ने बताया, कांगड़ा कला संग्रहालय में 13 से 15 जून तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला पेंटिंग एंड प्रिंट प्रदर्शनी में चिन्मय ग्रामीण विकास संगठन की राष्ट्रीय निदेशक पद्मश्री क्षमा मैत्रेय बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के 56 कलाकारों की सुंदर पेंटिंग को दिखाया गया, जिसका उद्देश्य उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी कला को देश भर के साथ विश्व में भी पहचान मिल सके। अभी हमारा रहेगा ये 3 दिन यहाँ पे ना। अच्छा। और इसके बाद नीचे समर फेस्टिवल में भी 16-17। मैम, ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो महिला प्रदर्शन का आयोजन किया गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। कांगड़ा कला संग्रहालय में 13 से 15 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन डॉक्टर क्षमा मैत्रेय द्वारा किया गया है और इसमें 62 आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में इसमें हमने नगरोटा भगवान का स्कूल है, ग्रीन फील्ड स्कूल, वहाँ के भी 3 बच्चे हैं, उनकी 6 पेंटिंग्स हमने डिस्प्ले की हुई है। प्रदर्शनी लगी है, इसमें आप क्या लेके आए हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या होता है मंडल आर्ट? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम मीनाक्षी चंदू है और मैं जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये मंडला आर्ट है, डॉट मंडला आर्ट, और ये मेरी धर्मशाला में पहली एग्जीबिशन है। तो इसमें हमने मंडला आर्ट, जो कि हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, डॉट थेरेपी इसको बोला जाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेडिटेशन पर्पस। बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं अपनी कंसंट्रेशन, अपनी फोकस पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। और किस तरह से आपके रुझान आए हैं इसको लेके, जो आपने काफ़ी जो है प्रदर्शनियाँ जो लगाई हैं, कितनी प्रदर्शनी लगाई हैं और किस तरह के रुझान आपको देखने? मैंने नेशनल और इंटरनेशनल भी रही है मेरी एग्जीबिशन, इसमें तो स्टेट में भी लगाई हुई है, आउट ऑफ स्टेट भी अहमदाबाद में लगाई हुई है। तो एग्जीबिशन तो आई थिंक ये 14th होगी मेरी अभी, तो रुझान काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि एक नया आर्ट फॉर्म है। हिमाचल में तो ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था, और सबसे पहला मेरा जो एग्जीबिशन था वो रिज पे लगा था, शिमला रिज पे, तो वहीं से इतना काफ़ी प्रेज किया लोगों ने, काफ़ी मोटिवेटेड वहीं से मैं हुई डैट मैंने आगे ये कंटिन्यू इसमें फर्दर इसी में आर्ट फॉर्म अप्लाई किया। तो आगे किस तरह से देखते हैं कि आगे कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? इसको आगे हम पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट लेके चले कि हम जो हैंडमेड हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारी हैंडमेड, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें। जैसे कि चाइना मार्केट है, हम उसको पहले से ही रेक रहती है, जिस उसको ख़त्म करना है उसको हम ख़त्म एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई रहेगा कि आप जितने हैंडमेड आर्टिकल्स को आप लाए मार्केट में, ये हमारे नेचर के लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहते हैं और हमारे खुद के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि हर एक आर्ट में, हर एक आर्टिकल्स में आपका और उसमें रहता है, आपकी पॉजिटिविटी रहती है और वही पॉजिटिविटी आगे स्प्रेड होती है। और आगे का हमने ये सोचा है कि हम इसमें कोर्सेज, वैसे तो वर्कशॉप हम स्कूल्स में जाके कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में हम जाते रहते हैं, बच्चों को हम कंसंट्रेशन किस तरह से अपनी इन्होंने करनी है, इंक्रीज़ कैसे करनी है, किस तरह से फोकस रहना है, तो एक वर्कशॉप हम कर रहे हैं। दूसरा, हम इसमें कोर्सेज लाएंगे जिसमें कि जो ट्रॉमा या कोई डिप्रेशन में कोई पर्सन है, कोई अपनी लाइफ में कोई एनजाइटी वाली फेज़ में है, तो वो इस डॉट थेरेपी को यूज़ कर सकता है। ये सभी के लिए रहेगा, इसमें कोई एज का नहीं रहता है कि आप कोई एज ग्रुप लें। तो इस तरह से हमारी आगे की प्लानिंग है कि हम इसको करेंगे। आप अपना नाम भी बताएं और आप कहाँ से? मेरा नाम मीनाक्षी संधू है, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट नेर चौक की रहने वाली हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थोड़ी इसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज मुझे यहाँ आके अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि केवल हमारे देश की महिलाएं नहीं पर विदेश की महिलाओं की भी अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई, और एक एक पेंटिंग
उसमें और ज़्यादा टाइम ऐसा लगता था कि और ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें और उनकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो मैं जब हर एक पेंटिंग देख रही थी तो मैं देख रही थी उसके पीछे जो कलाकार है उसने अपना कितना अंदर से हृदय से दिया हुआ और वो कुछ कम्युनिकेट करना को चाहता है और उस कम्युनिकेशन को जब हम थोड़ा समझते हैं थोड़ा बहुत तो हमें भी उतना जैसे उनको उतनी शांति मिली होगी उतनी जॉय मिली होगी उसको करने को उतना हमको भी मिला। तो मैं तो आज सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने यहाँ हमारे कांगड़ा म्यूज़ियम में इतना अच्छा पेंटिंग का एग्जीबिशन अरेंज किया है उसके लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए मैं उनके आभारी हूँ। और मैं चाहूँगी कि ऐसे पेंटिंग का जिसे आपके द्वारा और लोगों को पता चले कि वो भी शेयर करें हमने जो आज पाया है उनसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और रितु जी जिन्होंने ये सबको ऑर्गेनाइज किया है, रितु अनकोटिया जी और रवि ठाकुर जी यहाँ और अलग अलग लोगों ने जितनी मेहनत की है बिहाइंड द सीन, जैसे परविंदर जी मेरे सामने खड़े हैं, जंग सिंह जी, ग्लोरिया जी, इन्होंने एक्चुअली दिल से मेहनत की है। नहीं तो ऐसे अलग अलग जगह से पेंटिंग की को मंगवाना कोई आसान काम नहीं है। मैम देखा गया आप लंबे समय से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर पेंटिंग एक ऐसा माध्यम होता है जिससे एक दर्द जो है उस पेंटिंग में छुपा दर्द भी एक सामने आता है, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है हर तरह की चीज़ ना पेंटिंग हर तरह की इमोशंस दिखाती है, केवल दर्द नहीं दिखाती है, सुख भी दिखाती है, शांति भी दिखाती है, किसी के लिए ध्यान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक टूल हो सकता है। तो दर्द की भी बात है पर जब कुछ आप एक्सप्रेस करते हैं किसी भी कला से, तो मैं देख रही थी कि कहाँ कुछ जो पेंटर्स हैं यहाँ उनकी केवल एक ही कला की डायरेक्शन नहीं है, सब तरह की है, मतलब कोई पोएट भी है, कोई जर्नलिस्ट भी है, मतलब हर तरह का ना कला निकल रही है। और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो आगे आए, क्योंकि पहले आप लोग ज़्यादा जानेंगे कि पुरुष आर्टिस्ट को जानते हैं, पर इस एग्जीबिशन के द्वारा इन्होंने कई महिलाओं को आगे लाया। और मैं तो चाहूँगी कि गांव की महिलाएं भी आगे आएँ, गांव में जो घर में पेंटिंग्स होती है बाहर वॉल में होती है, हर हमारे देश में अलग अलग स्टेट में आप जाओगे तो अलग अलग तरह की कला देखेंगी आपको घरों में भी बाहर। जैसे अभी मैं पहले कांगड़ा के घरों में होती थी पर आजकल कम हो गई है, जब शादी के टाइम पेंटिंग होती थी ना घर के बाहर बहुत सुंदर पेंटिंग हुआ करती थी, वो आजकल इतना देखने को नहीं मिलता, पर जहाँ भी जिस घर में दिखता है मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू जी। सर आज जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रदर्शन का आयोजन किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये इंटरनेशनल वुमेन आर्टिस्ट के ऊपर हम एक दो साल से प्लान कर रहे थे, जो कोरोना के टाइम नहीं कर पाए, तो इस साल फिर मैडम मार्च में करना था, तो वो भी एक लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास ये डेट, तो इसलिए हम इसमें इस नहीं कर पाए। और यहाँ पर विजिटर्स भी काफ़ी, तो फॉरेन कंट्री से तो कोई विजिट नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया से काफ़ी लोग आए हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ जम्मू से, कुछ धर्मशाला से, तो इस तरह से बॉम्बे से, इस तरह से आर्टवर्क मंगवाया, कुछ ओरिजिनल भी हैं, कुछ प्रिंट्स भी हैं, क्योंकि जो फॉरेन के आर्टिस्ट हैं उनके प्रिंट्स मैंने वहाँ चंडीगढ़ से करवा के डिस्प्ले किए। सर जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर कलाकार आए हैं, भारत के कोने कोने से कलाकार हैं, कितने कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? हमारे पास यहाँ पर 8 के करीब इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजर, आपको ऑर्गेनाइजर हम 3 हैं, जंग सिंह पार्ट फोर्ट इंडिया। सर किस तरह से देखते हैं इस प्रदर्शनी को, कलाकारों को एक जो है मंच कह लें या कि उनकी कला को जो निखारने का यहाँ पे एक मौका मिलता है, किस तरह से देखते हैं? ये हम चाहते हैं कि जो वुमेन है वो बहुत रेयर काम करती है, बहुत ज़्यादा उनको कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी है,
कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन ने क्या आर्टिस्ट आर्ट का काम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ लोगों के अंदर ना आए, ये जो एग्जीबिशन की है ना, इस ये चीज़ ये जो थिंकिंग है ना उसकी, ये मैं हटाना चाहता हूँ कि ये लोग वुमेन को ऐसे ना सोचे कि ये आर्ट नहीं कर सकते, तो ये मेरा पर्पज था कि एग्जीबिशन करें। आगे का क्या प्लान है सर? आगे अब ये करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ही होगा कुछ, हो सकता है हम अब्रॉड में करें, हो सकता है इंडिया में करें, एनुअल फीचर भी होगा, हो सकता है हम तीन चार ऑर्गेनाइजर बाहर से भी इनवाइट करके उनके साथ करेंगे। सर आपका पूरा परिचय और ग्रेजुएशन वगैरह सफल मेरा, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ और एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, और मेरे अपने आर्ट फॉर इंडिया के नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम 15 साल से अपने एग्जीबिशन और वर्कशॉप करते रहते हैं इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, तो इस तरह से हमारा चलता रहता है। हिमाचल में मैं ज़्यादा एक्टिविटी करता हूँ क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पर ना रेयर बहुत कम लोग एक्टिविटी करते हैं, लोग सिर्फ घूमने आते हैं, लेकिन आर्ट एक्टिविटी का लोग इसके बारे में नहीं सोचते। धन्यवाद सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुरेंद्र कौर के साथ सुनील समयाल की रिपोर्ट। SCA Academy Dharamshala, established since 1999. Regular classes for 8th to plus 2 class for physics, chemistry, bio, maths and accounts. Graduation classes for BSc 1st, 2nd and 3rd year. New batches starts for JEE, NEET, NDA, CDS. Registrations open for weekend classes, yearly classes and crash course. Dropper batch from Army Agniveer, Air Force, Navy, Commission, SSC, Forces, Nursing, Sainik School, RMS, CDS and AFCAT. SCA Academy is located at Kacheri Adda near Girls Senior Secondary School, Depot Bazaar, Dharamshala. For more details, contact 94180-23429 or 98160-23379.